हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। कौन? सीओडी है, जीरो सीओडी है, 4000। अच्छा तू बा मुझे 4000 रुपए दे। तो भाई मैंने एक पार्सल मंगवाया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसमें मेरी व्हाइटनिंग क्रीम है, सनस्क्रीन है और सीरम है। एक मैं चुप करो, शॉर्ट में। सो मैंने एक पार्सल मंगवाया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, व्हाइटनिंग क्रीम है, उसमें सनस्क्रीन और सीरम है, वो आ गया है। दे रही हूँ भाई, चलो भाई, थैंक यू। मेरा पार्सल आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ क्या आया, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना पार्सल के लिए। मेरा पार्सल है और ये इसके 4000 रुपीज मैंने दे दिए सीओडी का, मैं खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या है। सो भाई पार्सल मैंने खोल लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। तीन चीजें, सनस्क्रीन, ये तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद है इनकी क्रीम डर्मोलाइट, ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट है और जो इनकी कंपनी है उसका नाम है फेमीमेड, और ये ब्राइटनिंग क्रीम है। उसके बाद विटामिन सी सीरम जो कि स्किन के ऊपर निशान वगैरह रहने नहीं देता। सो ये तीनों प्रोडक्ट मंगवाओ। ये प्रोडक्ट जो है ना, इसके अंदर से सनस्क्रीन मेरी सेकेंड टाइम आई है, व्हाइटनिंग क्रीम मेरी थर्ड टाइम आई है, और जो विटामिन सी सीरम है, सी सेल, वो भी मेरा सेकंड टाइम आया। मैं आपको पुराने डब्बे भी दिखा देती हूँ, ये देखिए खाली डब्बे पकड़े हुए हैं मैंने आपको दिखाने के लिए। ये मेरा दूसरी दफा आया है। ये क्रीम सी आपको पता है मैं यूज करती हूँ, ये मेरी दो यूज हो चुकी है क्रीम, और ये सीरम भी जो है वो एक यूज हो चुका है। मैं सीरम से यूज करती हूँ क्रीम भी, फेस वॉश भी। आई थॉट कि आप लोगों को ना नेचुरल लाइट में दिखा दूँ कि प्रोडक्ट कैसे हैं। इस टाइम ना मैंने फेस पे कोई फाउंडेशन नहीं लगाई है, देखें आपको फेस, हैंड्स और गर्दन का कलर जो है वो साफ नजर आ रहा होगा। सो ये रिजल्ट है अच्छी स्किन केयर का, अच्छी स्किन केयर को फॉलो करने का और प्रॉपर तरीके से फॉलो करने का। सो इन प्रोडक्ट का रिव्यू मुझे लोग मांग रहे थे बहुत ज्यादा टाइम से, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है। आप सबको पता है फेमीमेड काफी फेमस कंपनी है, और जिस तरह से और बहुत सारी क्रीम्स हैं ब्राइटनिंग जो मेडिकेटेड है, उसमें जो डर्मोलाइट है वो टॉप में आती है। आप इसका रिव्यूज भी जो है ना वो चेक कर सकते हो आप यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे या गूगल पे चेक करो लिख के फेमीमेड का नाम ऐसे, और इसके बारे में भी जान सकते हो कि कौन सी मेडिकेटेड कंपनी है। आपको ना ये ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से, बड़े बड़े जो मेडिकल स्टोर है वहां से मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। ऑनलाइन ये फायदा होता है कि सेल लगाई होती है अक्सर ऑनलाइन, सो वहां से जो है ना वो लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी बाजार से खरीदोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता आप लोगों को। ये इनका सीरम है सी सेल सीरम, इसके अंदर जो है वो विटामिन ई है और फ्लोरिक एसिड, इसके बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था, और हाइलोरोनिक एसिड है 1%। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटी एजिंग कॉम्प्लेक्स है, स्किन पे एजिंग झुरियां लाइंस आने नहीं देता। और जो फ्लोरिक एसिड है ना, इसको अब जो है लोग यूज करना शुरू हुए हैं, और आई थिंक ये सेकेंड कोई प्रोडक्ट है जिसमें देख रही हूँ कि फ्लोरिक एसिड है। इसको यूज करना बहुत ही आसान है, मैं इसका पहले आपको दिखा देती हूँ ड्रॉपर में। ये देखें, ये इसका जो है बिल्कुल ना, इससे वॉटरी कंसिस्टेंसी में होता है ये, पर इसके रिजल्ट इतने आला हैं, इतने आला कि ये जो फोलिक एसिड है ना, आपको पता है एलगाए वगैरह जो होते हैं प्लांट, जो सी प्लांट्स होते हैं, ये उनसे लिया जाता है। और ये जो है वो 97-93% जो आपकी स्किन से झुरियां खत्म करता है। इसके इतना टेस्टेड रिजल्ट है कि इतना ज्यादा ये आपके स्किन के ऊपर इफेक्टिव है। अपनी अम्मी आंटी वगैरह, खाला फूफो, इनके स्किन पे एजिंग आ रही है, आप उनको लेके गिफ्ट करेंगे सीरम, दुआएं देंगे आपको सारी जिंदगी कि आप लोगों ने हमें कोई प्रोडक्ट गिफ्ट किया। इसके अलावा अगर आप 18 के हो गए ना, तो आप अभी से अपनी स्किन केयर करना स्टार्ट कर दो। लोग स्टार्ट नहीं करते हैं ना, हम तो अभी इतने यंग है, हमें क्या जरूरत है स्किन केयर करने की। लेकिन फिर बाद में जब एजिंग आना शुरू होती है तो फिर वो एकदम से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब लाइक हम लोग जो है वो 20-22 साल की उम्र से जो है वो एजिंग के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिससे अभी तक भी माशाल्लाह 5 बच्चे हो गए, 2 ऑपरेशन हो गए, तो फेस पे कोई झुरियां, रिंकल्स, फाइन लाइंस, आई के नीचे लाइंस अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई है, स्माइल लाइंस वगैरह नहीं आई है अभी तक, इसलिए कि स्किन केयर करते हैं। वरना एक बच्चे के बाद ही जो है वो फेस का बड़ा फर्क हो जाता है, और आप स्किन केयर ना करो। छाइयां, मुझे भी छाइयां बनी थी, लेकिन मैंने स्किन केयर की है तो छाइयां खत्म हो गई हैं। मेरी दोनों चीक्स पे, नोज पे, हर जगह छाई बन गई थी मुझे, बलाज भाषा के ऊपर नीचे हुए थे, सी सेक्शन था, उसके बाद मेरी लेप्रोस्कोपी भी हुई थी गॉल ब्लैडर की, ब्लड का लॉस होता है आपका, आपको जब एचबी लो होता है आपका, तब आपके फेस पे फ्रिकल्स वगैरह बनती है डिफिशियंसी की वजह से। सो इन चीजों पर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये कि आप स्किन केयर करो तो इतना, अब इन दिनों तो मैं इतनी प्रॉपर स्किन केयर कर रही हूँ कि आप लोगों को डिफरेंस वाजह नजर आ रहा होगा स्किन के ऊपर, कि स्किन इतनी प्यारी ब्राइटन अप हुई है, कोई पोर नहीं है स्किन के ऊपर, कोई दाना निशान नहीं है स्किन के ऊपर, बहुत ही प्यारी ड्यूई और ग्लोई स्किन लगती है। सब मुझे पूछते हैं, जैसे अभी मेरे घर वाले भी आए, बेस लगाई हुई है, बेस लगाई हुई, नहीं यार किधर है बेस, किधर है, हट के नहीं रही है बेस। सिंगल लाइट नहीं जलाई कमरे की, ताकि आप लोगों को जो है वो रिजल्ट साफ नजर आओ। रिंग लाइट होगी तो आपको के अंदर नजर आएगी रिंग लाइट, तो मैंने को रिंग लाइट भी नहीं लगाई हुई, बिल्कुल जो नेचुरल अभी
छह बजे का टाइम है, हल्की सी रोशनी, धूप भी नहीं है कि आप बोलो धूप में बना रहे, इसलिए कि आप लोगों को वाज़ यहाँ डिफरेंस नजर आए। प्रोडक्ट वर्थ बाइंग था, तो फर्स्ट टाइम तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था, सेकंड टाइम मैंने खुद मंगवा लिया। अक्सर ब्रांड्स जो है वो चेक करने के लिए प्रोडक्ट्स भेजते हैं ना, तो फिर उनको जब दोबारा प्रोडक्ट अच्छा होता है ना, उनको नहीं बोलती है मुझे फ्री में भेज दो जी, अच्छा मैं खुद खरीद लेती हूँ। तो ये मैंने खुद खरीद लिया था, 4,000 का सामान था मेरा, आराम से जो है वो 2 महीने निकल जाते हैं सामान में। अब उसके बाद है इनकी ये क्रीम डर्मोलाइट, बहुत ज्यादा लाइट वेट क्रीम है, बहुत ज्यादा, जो लोगों के फेस पे पिगमेंटेशन है ना, इन तीनों चीजों का कॉम्बो यूज करना है। ये जी हमारी डर्मोलाइट क्रीम है, छोटी सी ट्यूब में ये क्रीम आती है। क्रीम का रिजल्ट दिखा देती हूँ आपको कैसा है। इसका टेक्सचर है कुछ ऐसा, इतनी सा जो अमाउंट है वो इनफ होता है। इसके ऊपर उन्होंने सारा बताया हुआ है कि आपने इसको यूज को कैसे करना है। ये देखें, आपकी स्किन को लाइटन करती है, आपकी स्किन को इवन करती है, और जो मिलानिन की प्रोडक्शन होती है ना, जो हमारी स्किन पे पिगमेंट ला रहे होते हैं मिलानिन, लाइक हमारी स्किन में फ्रेकल ला रहा है, ब्राउन स्पॉट ला रहा है, मिलाजमा ला रहा है, तो ये मिलानिन की प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करती है। इतना सा लेना है आपने, ये ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके लगाया, और इन क्रीम्स और सीरम को रगड़ना नहीं होता, हमेशा सीरम को लगाया। जैसे मैंने बातें की है तो बातें करते करते हमारे 5 मिनट्स गुजर गए, सीरम स्किन में एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने का भी टाइम देना है, ये नहीं कि ऊपर नीचे धड़ा धड़ लगाया जाओ प्रोडक्ट, नहीं, एब्जॉर्ब होने का टाइम देना है आपने, और उसके बाद जो आपने दूसरा प्रोडक्ट लगाया। अभी क्रीम लगाई और इसको मैंने थपथपा के इसे ब्लेंड करना, इतनी प्यारी क्रीम है यार, इतनी प्यारी, आप देख रहे हैं कैसे ब्लेंड हो रही नजर आया। और स्किन पर रिजल्ट चेक करना, इसके इतने इसके प्यारे रिजल्ट है, एक तो ना ग्रीसी नहीं है, चिपचिपी नहीं है, बहुत लाइट वेट है, सत्तर से बस पानी लगाया आपने और बस एब्जॉर्ब स्किन के अंदर। हमारे स्किन की थर्ड लेयर भी लाके काम करती है, कलर तो साफ करती है, साथ में ना आपकी जो स्किन पर फ्रेकल्स आ रही है, पिगमेंट आ रही है, उसको भी रोकती है। सो बहुत सारी लड़कियां होती है जिनको इश्यू हो रहा है काफी स्किन इवन टोन नहीं, आपने देखा मेरी स्किन कितनी प्यारी इवन टोन हो गई है, मुझे भी स्किन पर डिस्कलरेशन हो जाती है जब मैं ख्याल नहीं रखती, क्योंकि आपको पता है मेरा किचन का बहुत ज्यादा काम है। मैं बिरयानी वगैरह बना के आई हूँ, सो ये देख लें नाश्ते बनाए मैंने, चाय बार बार बनती है, देखें इतनी प्यारी स्किन के अंदर क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है, आपकी पिगमेंट लाइट करती है, आपका कलर फेयर करती है। आप इसको लगा के चले जाओ बाहर, आपकी इतनी प्यारी, ऐसे जैसे फ्रेश स्किन नहीं होती, ऐसे जैसे फ्रूट्स के ऊपर आपने पानी स्प्रे किया होता है, फ्रूट्स इतने प्यारे लग रहे होते हैं, ऐसे अट्रैक्टिव दिखता है, खरीद लो, वैसे स्किन लगती है, सतह बहुत ही प्यारी और हाइड्रेटेड स्किन हो जाती है आपकी, बहुत प्यारी हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइजिंग। इतनी अच्छी क्रीम है यार, ये ड्राई नहीं कर रही स्किन को, डिहाइड्रेट नहीं कर रही स्किन को, नेचुरल ऑयली स्किन का शक नहीं कर रही, बल्कि स्किन को हेल्दी प्लम्प कर रही है। इसके अलावा लाइटन भी कर रही है, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस कर रही है, अनइवन स्किन को इवन कर रही है, और जो मेलन की प्रोडक्शन है उसको भी कम कर रही है। जो थर्ड जिसका कॉम्बो जो मैंने मंगवाया है, साथ में इसका सनस्क्रीन, जिसकी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत ही वायरल है, आप इसको लिख के सर्च कर लो ना बायोसोडियस, आपको समझ में जाएगा कितनी अच्छी सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन क्या होती है, ऑयल भरा हुआ होता है तो स्किन पर बम्स बना देती है, सो ये मेडिकेटेड है, इसका कोई सा सीन नहीं है। तो ये हमने निकाली है हाथ के ऊपर, आपको पता है सनस्क्रीन हमेशा 2 फिंगर लगाते हैं, तो आपको दिखा देती हूँ सर, इस सनस्क्रीन को ना बार बार लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से ली है हमने, ये पूरी ये और ये लगाई, अभी आपके सामने एब्जॉर्ब करूंगी, आप देखना गर्दन पे भी लगानी, क्योंकि जो जो चीज हमारी सन में रहती है ना, हाथ, गर्दन, फेस, वो सारी चीजें वो इफेक्ट होती हैं। झुर्रियां बहुत गंदी आती हैं सूरज की वजह से, सन बर्न बहुत गंदा होता है, पिगमेंट बहुत गंदी आती है, मतलब स्किन का जो बड़ा गर्क होता है वो सब सूरज की वजह से होता है, सूरज और हीट स्किन को डैमेज करती है। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, आप इसका रिजल्ट देखना, इसको ना मैं हल्का सा करके दिखाती हूँ, आप ये देखें, ये इस तरीके से ना आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाती है। रगड़ना इसको भी नहीं है आपने, बस स्प्रेड करना है और हल्के हल्के हाथों से इसकी टैपिंग करनी है, इस तरीके से ये फौरन से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है। देख मेरी सनस्क्रीन जो है वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो गई है फेस के अंदर, ये देखें यहाँ पे हल्के हल्के नजर आ रही है, इसको भी यहाँ पे ऐसे टैपिंग करेंगे तो ये ब्लेंड हो जाएगी। और मैं हाथ में भी लगा के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी जो है सनस्क्रीन है व्हाइट कास्ट नहीं देती, इसके अंदर यूवीए और यूवीबी दोनों से अल्ट्रावायलेट रेस जो है उससे आपको जो है ये प्रोटेक्शन देती है। और इसके अलावा अगर आप रेगुलर रूटीन में एसपीएफ यूज करते हो ना, ये मैं आपको हाथ लगा के दिखा रही हूँ, आपको दोनों हाथों में डिफरेंस नजर आ जाएगा कि व्हाइट कास्ट है कि नहीं है। सो अगर आप रेगुलर रूटीन में एसपीएफ लगाते हो ना, तो उससे आपका कलर भी साफ होता है, ये देखें दोनों में डिफरेंस, स्किन स्मूथ लग रही है, बाकी टेक्सचर सेम है, व्हाइट कास्ट नहीं देती, क्योंकि ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, टेस्टेड है, डर्माटोलॉजिस्ट ने बनाया होता है ये, उसके बाद लेबोरेटरी में जाता है टेस्ट होने के लिए, अप्रूव्ड होने के बाद ये आपको हर जगह मिलता है, किसी का लेना चाहो, बड़े बड़े जो स्टोर है, डिवॉर्ड्स है, शाहीन है, आपको हर जगह पे मिल जाएगा, ये इतना प्यारा सनस्क्रीन है। तो इसका रिजल्ट आपके सामने, मैंने पूरे फेस पे लगाए, आप करीब से भी देख लो अच्छे से, कहीं भी आपको व्हाइट कास्ट नजर नहीं आएगी। मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है और लाइनर कैसे लगाया है, मैंने सिर्फ विंग लगाया और मस्कारा, और ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने कितनी स्किन की प्रिपरेशन की है, क्योंकि स्किन इतनी प्यारी हो जाती है इन सारे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ही मुनासिब प्राइस में प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी बात है कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट है और रजिस्टर्ड है प्रोडक्ट, टेस्टेड है प्रोडक्ट, और रिजल्ट इन प्रोडक्ट के A1 है। ये सारे प्रोडक्ट का लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया कि सिर्फ व्हाइटनिंग क्रीम यूज करने से रिजल्ट नहीं मिलते, सिर्फ सीरम यूज करने से रिजल्ट नहीं मिलते, और सनस्क्रीन यूज नहीं करोगे तो सब चीजें यूज करना बेकार है। हमेशा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में यूज किया करें, लाइक अच्छा फेस वॉश, अच्छी सनस्क्रीन, अच्छी ब्राइटनिंग क्रीम, अच्छे सीरम। जाते हुए सनस्क्रीन लगानी है, रात को सनस्क्रीन नहीं लगानी। रात को आपने फेस वॉश किया, सीरम लगाया और क्रीम लगाई, और आप लोग एक हफ्ते में वाजे डिफरेंस नोटिस करोगे, क्योंकि जो फ्लोरिक एसिड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इन चीजों का कि आप छोड़ोगे तो स्किन खराब हो जाएगी, इसका ऐसा कोई सीन नहीं है। सो प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, अगर मुझे ब्रांड ने कोड दिया तो वो भी लगा दूंगी, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। सो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डल कलर की वजह से और स्पॉट्स की वजह से, पिगमेंटेशन की वजह से परेशान होंगे, एजिंग की वजह से परेशान होंगे, तो ये एक एंटी एजिंग जो है वो किट है आप लोगों के लिए। इसको हर एज के लोग यूज कर सकते हैं, आप 18 के आप इसको अभी से यूज करना शुरू कर दें, आपको 40 के भी हो जाओगे ना आपको एजिंग नहीं आएगी, अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करोगे, स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने का ये बेनिफिट होता है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।